हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू वीडियो में। एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने रिज्यूम ड्राफ्टिंग कैसे करने हैं एंड कवर लेटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, रिज्यूम एंड कवर लेटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड उन सब काफी इंटरेस्टेड है कि उनको रिज्यूम कैसे ड्राफ्ट करने चाहिए जिससे उनके शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने रिज्यूम को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में एमएस वर्ड को ओपन करना है रिज्यूम के लिए। एमएस वर्ड जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू का एक टैब मिलेगा, जैसे मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक विंडो आपकी ऐसे एमएस वर्ड की ओपन होगी। इसमें आपको फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आता है। फाइल पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स में सर्च करना है REHUME। जब आप रिज्यूम लिख के सर्च करोगे आपकी लैपटॉप नेट से कनेक्ट होनी चाहिए, आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे टेम्पलेट्स तो जिसमें पिक्चर्स भी आ रहे होंगे। बहुत सारी कंपनीज भी फोटो रिज्यूम को प्रीफर करती है, सो इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप रिज्यूम में अपने पिक्चर्स को ऐड करो। बट अब जैसे ये रिज्यूम है आप यहाँ देख सकते हो, इसमें भी पिक्चर्स ऐड है बट यहाँ पे चीजें काफी हाईलाइटेड हो रही है। फोटोज के ऊपर बैकग्राउंड में काफी सारे बैकग्राउंड सर्कल्स दिए गए हैं। सो इस टाइप्स के रिज्यूम नहीं होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट रिज्यूम देख सकते हो, ये भी काफी सिंपल रिज्यूम है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। या फिर आपको मैं और रिज्यूम दिखाता हूँ जो सिंपल है, जैसे ये रिज्यूम को भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने अपना रिज्यूम इस फॉर्मेट पे बनाया था। इसके अलावा भी आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको कलर को चेंज करना पड़ेगा। ये रिज्यूम भी सफिशियंट है, आप इसे भी यूज कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो। एंड ये 3-4 रिज्यूम है जो सफिशियंट है आपके लिए। सो अब मैं एक रिज्यूम पे क्लिक करके आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट रिज्यूम है, मैं इस रिज्यूम पे नहीं क्लिक करता हूँ जिसपे मैंने फॉर्मेटिंग की थी अपनी, मैं उसी रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करना है आपको, देन आपको यहाँ पे रिज्यूम आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो चुका है वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप यहाँ से रिज्यूम बनाते हो तो आपका रिज्यूम कम्प्लीटली आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आप लिंक प्रोवाइड करोगे वो पीडीएफ में जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो सारी लिंक वहां भी काम करेगी। अदरवाइज इस टाइप्स के रिज्यूम आपको बहुत सारे पोर्टल पे तो मिलेगा लेकिन वहां पे पेड मिलता है। जब आप वहां पे रिज्यूम एक्सपोर्ट करोगे तो आपसे कुछ फीसेस चार्ज करेंगे और ये विदाउट एनी फीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो, इजी है। अब जैसे आपको कलर कस्टमाइज करना है तो आप डिजाइन पे जा सकते हो, यहाँ से आप थीम पे जा सकते हो, यहाँ से आप कलर्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये थीम के अकॉर्डिंग कलर फिर से चेंज हो गया। मैं आपको ये बोलूंगा ज्यादा कलर्स को मत करना, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट को ट्राई करो कि आप फॉलो करने का एंड उस वो ज्यादा कलर अच्छा। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी रिज्यूम इस कलर फॉर्मेट में बनाई थी। सो आप इस कलर फॉर्मेट को या फिर आपको कोई और कलर फॉर्मेट लगता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है इस रिज्यूम के लिए आप उस फॉन्ट को आप चूज कर सकते हो। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कैलिबरी फॉन्ट सही है रिज्यूम के लिए, आप नॉर्मल फॉन्ट को यूज करो। एंड अब इस रिज्यूम को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फोटो इंसर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपनी फोटो लेके आनी है एंड फोटो फोटो लगाने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है। एंड इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर्स, अगर आपको लैपटॉप इंसर्ट करना है और ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना है तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन आप सीधे आपकी यहाँ से आप इस फोटो को आप डिलीट कर दो एंड आप डायरेक्ट अपनी फोटो लाके इस फोटो के ऊपर मर्ज कर सकते हो इस पोजीशन पे। सो इसके अलावा फर्स्ट नेम पे बस आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपनी नेम मेंशन करनी है, जैसे मैंने रोहन लिख दिया सर नेम में। ये सब कुछ ऑटोमेटिक आराम से कर देगा। आप देखो यहाँ पे जॉब टाइटल आपको लिखना है, अगर आपने प्रीवियस आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस को दिखा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें ना हाईलाइट होके नहीं आ रही है, कंटेंट है यहाँ पे लेकिन वो चीजें हाईलाइट नहीं हो रही है बिकॉज जो हमने फॉर्म लिया है उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप थीम के कलर्स को चेंज कर दो जिससे वो सारी चीजें आपको हाईलाइट होकर दिखे। सो पहले एक बार एडिट कर लो, फिर कस्टमाइज इसको आराम से और कलर्स में। ज्यादा लाइट कलर ही देने की ट्राई करो, ज्यादा डार्क कलर इज नॉट गुड, ये कलर भी सही है। अब जैसे इस कलर को तो मैंने चूज कर लिया,
बट यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट जो है वो ज्यादा हाईलाइटेड नहीं दिख रहा, जैसे अगर मैं यहाँ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हाईलाइटेड नहीं दिख रहा। इन डेट केस आपको इसको भी कस्टमाइज करना है, यहाँ पे आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो होम पे जाके, एंड यहाँ से आपको जो कलर, जैसे ब्लैक इज गुड, आप सारी फॉर्मेटिंग ब्लैक कलर में रखो, इसको ज्यादा से ज्यादा आप बोल्ड कर सकते हो जिससे चीजें हाईलाइट हो जाए। सो इस तरीके से आप कस्टमाइज करके ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अपने रिज्यूम को आप कंप्लीटली ड्राफ्ट कर सकते हो, एंड इसमें आप न्यू टैब्स को भी आप वो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके, सो इसी फॉर्मेट पे आपको रिज्यूम बना सकते हो यहाँ से। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कवर लेटर की, तो कवर लेटर क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कवर लेटर के बारे में नहीं जानते। रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम हमारे एक स्टैंडर्ड होता है, कंपनी अकॉर्डिंग नहीं होता। मान लो अगर मुझे जेनपैक में जॉब करना है तो रिज्यूम मैं जेनपैक में जॉब करूँ तो भी मेरा रिज्यूम यही होगा, या फिर अगर मैं रिलायंस में जॉब करना है तो भी मेरी रिज्यूम यही होगी। मैं किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूँ, मेरा रिज्यूम हमेशा सेम होगा, बिकॉज मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरी क्वालिफिकेशन, वो सारी चीजें सेम होगी, कभी चेंज नहीं होगा। बट कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर हम वो सारी चीजें मेंशन करते हैं जो कि हमने रिज्यूम में मेंशन नहीं किया। जैसे अब रिलायंस में वैकेंसी आई है, तो जब हम कवर लेटर ड्राफ्ट करेंगे तो हम रिलायंस के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है और कैसी उनकी कंपनी के लिए मेरा जॉब रोल इंपॉर्टेंट है, मैं किस तरीके से उस कंपनी के लिए एक वैल्यू एडेड क्रिएट कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आप कवर लेटर के थ्रू आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपको इंसर्ट, आपको न्यू पे जाना है, फिर से फाइल पे जाना है, एंड आप यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको COVER कवर एंड LETER लेटर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे आपके कवर लेटर, बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, तो आप सेम टेम्पलेट को फॉलो करो। यहाँ पे देखो कवर लेटर का टेम्पलेट है, इसको फिर से आप क्रिएट कर लो, ये आपके कवर लेटर की टेम्पलेट आ गई। और इन्होंने जैसे सिंपल एंड शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है चीजों को, इस तरीके से आपको भी करना है। बट कवर लेटर में आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, एंड इस कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये जॉब रोल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आप कंपनी के लिए किस तरीके से वैल्यू एडिट कर सकते हो। सो कवर लेटर कभी भी एक सिंगल नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही कवर लेटर बनाते हैं और सारी कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये गलत है। कवर लेटर हमेशा कंपनी स्पेसिफिक होना चाहिए, उस पार्टिकुलर कंपनी एंड उस पार्टिकुलर जॉब प्रोफाइल रिलेटेड जो आपका इंटरेस्ट होगा वही आप इसमें डिस्क्लोज करोगे। अब मैं बात करता हूँ कैंपस प्लेसमेंट में, तो कैंपस प्लेसमेंट में आप कवर लेटर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। रीजन क्या है, कवर लेटर इंपॉर्टेंट वहां नहीं है, बिकॉज वहां पे जो आप रिज्यूम अपलोड करोगे तो किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं कर सकते हो आप रिज्यूम, आपकी जनरल रिज्यूम अपलोड होगी। तो अगर आप प्लेसमेंट में जाना चाहते हो तो सिर्फ आप रिज्यूम को फॉलो करो, और आप ऑफ कैंपस में जाना चाहते हो तो आप कवर लेटर प्लस आप अपने रिज्यूम दोनों को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सेम अगर आप इंटर क्वालिफाइड हो तो भी, और आप फाइनल क्वालिफाइड हो तो भी। सेकेंड थिंग ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, जब उनकी रिज्यूम मेरे पास आती है तो डायरेक्ट मेरी वैकेंसी कहीं किसी ग्रुप के थ्रू या किसी पोर्टल को उन्हें मिलता है, तो सीधे मुझे अपनी रिज्यूम फॉरवर्ड कर देते हैं। ये गलत तरीका है कभी भी रिज्यूम फॉरवर्ड करने का। रिज्यूम जब भी आप किसी को भेजो तो आप फर्स्टली मेंशन करो कि आपको उनकी वैकेंसी कहाँ से मिली, किसने आपको रेफर किया है, एंड आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस जॉब प्रोफाइल के लिए, क्या चीजें आपको है जो इस जॉब प्रोफाइल में देखी जाएगी, और आप किस तरीके से इंटरेस्ट, एक अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस आपने वैकेंसी देखा, फोन नंबर सेव किया एंड अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर दिया, काम खत्म हो गया। ऐसे कभी भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी। तो हमेशा जब भी किसी को रिज्यूम सेंड करो, रिज्यूम सेंड करने से पहले आप अपना नेट ऑफ कर लो, प्रॉपर कंप्लीट आप टाइपिंग कर लो उस पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर, तो पहले आप मैसेज सेंड कर दो, एंड देन मैसेज के साथ आप रिज्यूम भी अटैच कर दो नीचे, मैसेज एंड रिज्यूम, फिर आप नेट ऑन करो, दोनों चीजें एक बार उसको डिलीवर हो जाएगी, तो वो बंदा आपकी टैक्स को भी पढ़ेगा, एंड इससे आपका इंटरेस्ट दिखता है। जब आप इतनी टाइपिंग कर सकते हो, इतनी सारी चीजें वहां लिख सकते हो, तो आपके इंटरेस्ट सामने वालों को दिखते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो, तभी आपने इतनी टाइपिंग की है। अदरवाइज जो इंटरेस्टेड नहीं होते तो इसी तरीके से रिज्यूम भेज देते हैं। सो इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंड थिंग, कैंपस के लिए या ऑफ कैंपस के लिए भी, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि कैंपस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कैंपस में जॉब प्रोफाइल पहले तो सर्टेन नहीं होता है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे कॉस्टिंग, अकाउंटिंग में आपकी इंडिया से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा GST और इनकम टैक्स,
ये चार ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एंड जो आपकी रिटेन टेस्ट भी होगी मोस्टली इन चारों के ऊपर ही बेस्ड होगी। सो अगर आप कैंपस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो रिटेन टेस्ट भी होती है, कुछ कंपनी लेती है, एंड कुछ कंपनी GD प्लस PI लेती है। सो आप इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर कमांड प्लस जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए उन सब चीजों को पढ़ो, जो आपको काफी हेल्प करेगी प्लेसमेंट में। सो बाकी मैं प्लेसमेंट के लिए डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।